ब्लेड फोर टू अस एंड कितने सारे ब्रिजेस जो रिवर के ऊपर जो ब्रिज थे कितने सारे ब्रिजेस के ऊपर उनके ट्रेन जो है वो क्रॉस करके गया लेबर क्रॉसिंग के ऊपर। उनका सीनरी के साथ उन्होंने क्या देखा और क्या था, लोग कैसे वेट कर रहे थे दोनों साइड में और कोई कोई बिना रूल माने ट्रेन के जो क्रॉसिंग की जो बार थी उसके नीचे से जा रहा था। और उनके उसके पापा ने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेटफॉर्म पर क्या क्या चीज़ें होती है क्या क्या फैसिलिटी स्टेशन से रेलवे से अवेलेबल होता है वो सारी चीज़ें उनको बताया है ना। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट इट्स पार्ट टू जस्ट ओपन पेज नंबर 53 एंड लुक एट यू लिसन टू मी केयरफुली ओके। सो पेज नंबर 53 प्रीवियस टेक्स्ट बुक ओके। सो व्हाट इज गिवन इट वाज डिलाइटफुल टू सी द सीन आउटसाइड द विंडोज फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप्स वेर विजिबल नियर रिवर बैंक सी सॉरी फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप्स वेर विजिबल रिवर बैंक एरिया। इन सम फील्ड्स देयर इज फार्मिंग ऑफ बनानास ग्रीन ट्रीज आर सीन ऑल अराउंड द ब्रिज वॉज वेरी गुड। मतलब जैसे वो लोग उनका ट्रेन चल रहा था सो इट वॉज डिलाइटफुल टू सी द सीन आउटसाइड द विंडोज। तो वो लोग विंडो से जो ट्रेन की विंडो से वो लोग बाहर की सीनरी बाहर की जो सराउंडिंग थी वो लोग देख रहे थे रिया और उसकी भाई सब देख रहे थे इंजॉय कर रहे थे। तो इट वॉज डिलाइटफुल मतलब बहुत अट्रैक्टिव था बहुत अच्छा लग रहा था उनका बाहर का सीनरी देखने में। जब ट्रेन चलता है और हम बाहर की सीनरी देखते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ट्रेन चल रहा है और जब से जो सारे बाहर के आउटसाइड चीज़ें हैं पेड़ पौधे वो सब पीछे पीछे जा रहे हैं अगर सीनरी अच्छे डिस्प्ले पे रिवर है फ्लावर्स है कुछ अलग अलग टाइप की जैसे हमको माउंटेन भी दिखता है जहाँ पे जैसे सीनरी जगह के हिसाब से एरिया के हिसाब से होता है वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो वही बोल रहे हैं कि जो सीनरी है सो इट इज़ वेरी डिलाइटफुल। सो इट वॉज डिलाइटफुल टू सी द सीन आउटसाइड द विंडोज खिड़की से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप्स खेती जो था आसपास साइड में पूरा ग्रीन कलर में हरा भरा था क्योंकि फसल उगे हुए थे उसमें। एंड इन सम फील्ड देयर इज फार्मिंग ऑफ बनाना स्कूल कुछ खेती में बनाना का खेती बना हुआ था फार्मिंग था एंड ग्रीन ट्रीज आर सीन ऑल अराउंड चारों तरफ ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा था। द ब्रीज वॉज वेरी कूल हवा भी ठंडी ठंडी चल रही। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रीज इन गांधीधाम। वो लोग गांधीधाम से आए थे उनका घर गांधीधाम में था रिया का। तो वो बोल रहे कि गांधीधाम में मैंने ऐसा सीनरी ऐसा ठंडी हवा कभी भी मैंने फील नहीं किया था। आई नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रीज इन गांधीधाम। वी आर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन्स माई मामाज कॉल एंड माई मदर्स मोबाइल। तो वो लोग अपने बाहर की सराउंडिंग जो है विंडो से देख रहे थे तभी वो उनकी मामा की मामा मीन्स उनके मम्मी की जो ब्रदर है उनका कॉल उनकी मम्मी के फोन पे आया। ही वॉज कमिंग टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अस अप। सो माई मदर टोल्ड दैट आवर ट्रेन वॉज 2 hours लेट एंड विल रीच एट 10:25 इंस्टेड ऑफ 8:25। तो उनकी मामा जो मम्मी की जो भाई है उन्होंने उसकी उनकी रिया की मम्मी के फ़ोन पे कॉल किया था क्योंकि उनको स्टेशन लाना है उन लोगों को पिक करने के लिए उन लोगों को लेके जाने के लिए। तो रिया की मम्मी बोली कि हमारा ट्रेन ऑलरेडी 2 hours लेट है इसलिए हम 10:25 को पहुँचेंगे जबकि हमको 8:25 को पहुँचना था पर हमारे ट्रेन 2 hours लेट है इसलिए हम 10:25 को पहुँचेंगे पहुँचने वाले ओके। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 54। अभी क्या हुआ है टाइमिंग इट्स 9 o'clock और ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू 1 big city। तो 9 बजे तक उनका ट्रेन जो है एक बिग सिटी एक बड़ा सा शहर से जा रहा था क्रॉस कर रहा था। ऑन द वे देयर आर मेनी ब्रिजेस ऑफ रोडवेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रेलवे ट्रैक्स बिग बिल्डिंग्स एंड मार्केट्स वेयर सीन। तो उनका ट्रेन एक बड़ा सा शहर के बीच में जा रहा था तो उनको दोनों तरफ से बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिख रहा था मार्केट दिख रही थी ओके। फादर सेड दैट इट इज़ सूरत सिटी। तो रिया के पापा बोले ये सूरत सिटी जो सिटी है इसका नाम सूरत है। दिस सिटी इज फेमस फॉर इट्स डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन द होल वर्ल्ड। तो सूरत सिटी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इट इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड एंड टेक्सटाइल बिजनेस ओके। डायमंड मीन्स हीरा जो है उसका बिजनेस एंड टेक्सटाइल मीन्स कपड़ों के बिजनेस के लिए इट इज़ फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज द सेकेंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। तो सूरत जो है वो भी एक बड़ा सिटी है अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा सिटी इट्स बिगेस्ट सिटी ऑफ गुजरात अहमदाबाद देन सेकेंड बिग सिटी इज सूरत। ट्रेन स्टॉप व्हेन
Here several people were wearing different dresses were seen. Some women had worn saris like dhoti, while some men had wrapped white dhoti like lungi. Some people language was also different. तो वो लोग सूरत में स्टेशन में पहुंच गए थे. प्लेटफॉर्म पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे पैसेंजर इधर उधर घूम रहे हैं और उन्होंने क्या देखा, जो लोग हैं वहाँ पे कुछ अलग से कपड़े पहने. तो जो लेडीज थे, जो वुमेन थे, वो कैसे पहने थे, साड़ी पहने थे धोती की तरह. एंड जो जेंट्स लोग थे, जो मैन थे, वो क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे उन्होंने, व्हाइट धोती लाइक लूंगी. तो व्हाइट धोती को उन्होंने लूंगी की तरह पहने. सम पीपल्स लैंग्वेज वाज ऑल्सो डिफरेंट. लोगों की जो लैंग्वेज था, कुछ लोगों की लैंग्वेज जो थी वो भी अलग उनको लग रहा. फादर सेड पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेटल्ड हियर टू विजिट. तो ये की पापा उनको बताए कि सूरत में अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह के लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए यहाँ पे रहते हैं, आते हैं और यहाँ पे रहते हैं. ओके, सेटल डाउन हो जाते. सो हियर पीपल वेयर डिफरेंट ड्रेसेस हैव बीन सीन. तो अलग अलग स्टेट के जो क्लोथ्स होते हैं, जो लैंग्वेज होती है वो अलग होता है, इसलिए वहाँ पे अलग अलग लोगों को देखा जाता है. फादर गॉट सुतर पेनी एंड खारी विच वॉज फेमस स्वीट्स ऑफ सूरत. सूरत प्लेटफॉर्म पे स्टेशन में ट्रेन रुका था तो रिया के पापा क्या खरीदे, सुतर पेनी एंड खारी जो सूरत का फेमस स्वीट है. द ट्रेन हल्टेड फॉर 5 मिनट्स एंड देन मूव. 5 मिनट के लिए वहाँ पे स्टेशन में रुका, फिर उनका ट्रेन जो है स्टार्ट हो गया. फादर सेड वापी वुड कम सुन आफ्टर नर्सरी एंड बस वी वुड रीच वापी विद इन एन आवर. तो रिया के पापा बोले हम लोग 1 घंटे में वापी में आने पहुँच जाएंगे. तो वापी कब आता है, आफ्टर नवसारी एंड बलसर. मदर इन्फॉर्म मामा बाय फोन दैट आवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन 1 आवर. तो रिया की जो मम्मी है उन्होंने अपने भाई को कॉल करके इन्फॉर्म किया कि हम लोग वापी में 1 घंटे में पहुँच जाएंगे. हिमांश एंड आई वर हैप्पी टू रीच एट मामाज हाउस. आर ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी वेर वी हैव टू कट डाउन. तो हिमांश जो रिया के भाई और रिया बहुत खुश हो गए थे क्योंकि वो अपने मामा के घर जा रहे थे. मतलब मम्मी के जो ब्रदर है वो उनके मामू हैं, तो उनके घर जा रहे थे घूमने के लिए. तो बहुत खुश हो गए थे कि हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे. मामा कॉल दैट दे हैड रीच्ड द स्टेशन बिकॉज ऑफ आवर जर्नी वॉज लॉन्ग बट हिमांश एंड आई एंजॉयड अ लॉट. तो ट्रेन जर्नी उनका बहुत लंबा था, जर्नी जो था बहुत टाइम लगा, तो वो लोग बहुत खुश थे. रास्ते में उन्होंने बहुत एंजॉय किया और वहाँ पे आके पहुँचेंगे, उसके मामू के घर जाएंगे, तो उसके लिए भी वो लोग बहुत खुश थे. नाउ आई एम पेनिंग अप माई डायरी. आई शुड राइट रेस्ट ऑफ द डायरी आफ्टर रीचिंग आवर मामाज हाउस. तो रिया रास्ते में ट्रेन में जब उसने गांधीधाम में ट्रेन में बैठी, वहाँ से यहाँ तक वापी में पहुँचने तक अंतोमय का सारी जो डिटेल जो उसने देखा, जो उसको नए नए चीज़ें पता चला, जो भी सीनरी जो भी चीज़ें उसको जानने के लिए मिला, सब चीज़ें उसने डायरी में लिख के रखा था और फोटो भी खींच के रखा था. तो जब वो वापी में पहुँच गई तो उसने अपनी नाउ आई एम पेनिंग ऑफ माई डायरी मीन्स उसने अपना लिखना जो पेन है वो बंद कर दिया और क्या बोला कि मैं मामू के घर जाकर पहुँचने के बाद फिर नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस उसका रहेगा देन विल स्टार्ट राइट. ओके, सो दिस इज द चैप्टर 8 7 एंड इट्स रिया स्ट्रेंथ गॉट लेट. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज गिवन, व्हाट इज मेंशन अबाउट जर्नी एंड प्लेटफॉर्म, व्हाट सीन वी कैन सी एट अ प्लेटफॉर्म एंड जो रिवर जो ब्रिजेस थे वो लोग कैसे उनका ट्रेन जो है वहाँ पे क्रॉस करा था, तो कैसी साउंड आ रही थी और कौन से ब्रिज वो क्रॉस किए, अहमदाबाद में कौन सा जो उसका रिवर था उसका नाम क्या था, सूरत में जो रिवर था उसका नाम क्या था, कितने सारे रिवर ब्रिजेस के नाम उसके पापा ने बताया. तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी हम लोग ने ये चैप्टर में डिस्कशन किया. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एंड एंजॉय द चैप्टर.